देख रहे हैं जी न्यूज 18, हर खबर का सच। और मेरे प्यारे प्यारे मीडिया को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार, थैंक यू सो मच। आप लोग आए, आप सभी को दिल से मेरा सलाम, मेरा प्रणाम। हमारे आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच में ऐसे दो हस्ती, दो मेहमान हमारे पास आए हैं। एक मेहमान है मेरे बड़े भाई, अभी अभी इनको मिला है, मेरी माँ के पेट से जन्म नहीं लिया, लेकिन वो मेरे बड़े भाई है, उनका नाम है देवा आना। एक बार उनके लिए एक बार क्लैप करें प्लीज। मैं सभी को वो किस पार्टी में है वो बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है वो अच्छे इंसान है, और उसके साथ साथ में गरीबों के लिए जो करते हैं वो मेरे लिए भगवान है, क्योंकि गरीब मेरे लिए भगवान है, और जो गरीबों के लिए जो करते हैं वो मेरे लिए भगवान है, वो भगवान का रूप है वो। तो ऐसे देवाना, मैं थैंक यू सो मच आज इस कार्यक्रम में आए हो, छोटा सा कार्यक्रम है। देवाना ने बोला, कल्याण जी मैं तेरे साथ हूँ। इंडस्ट्री में कोई भी काम होता है, अच्छा काम कर रहे हो, बुरा नहीं है, अच्छा काम, मैं आपके साथ रहेंगे। थैंक यू सो मच, मुझे एक बड़ा भाई मिला इस मुंबई शहर में, एंड थैंक यू माय मम्मा, मेरी मम्मी की वजह से मिला है, द वेरी गुड डांस कोरियोग्राफर, उनकी वजह से उनसे मेरा मुलाकात हुआ। एंड सेकंड सावन जी, एक ऐसा ब्रांड है, एक ऐसे इंसान है जिन्होंने दागड़ी चाल, दगड़ी चाल जैसी इतनी बड़ी फिल्म उन्होंने मेकिंग की है, मतलब उन्होंने बनाया, उसका प्रोड्यूसर सावन जी, एक बार जो तालियां हो जाए उनके लिए, सावन जी के लिए। और उनके साथ में आया दगड़ी चाल में, एक बेहतरीन भूमिका निभाया है, और साथ में उनके अपकमिंग एक म्यूजिक वीडियो एल्बम है जो बहुत जल्द आपके सामने आएंगे, और उसका जो स्टैंडी है वो स्टैंडी हमारे जो अवार्ड शो होने जा रहा है उसमें दोनों दिन वो रहेगा। और मेरे सबसे प्यारा, मेरा दोस्त, रात को दिन में घूमने वाले मेरे साथ में, एकदम बोले तो रवाज साथ में घूमते हैं, खाना भी लगाते हैं, मेरा भाई, मेरी जान, जिनका नाम है ताहिल कमाल खान। थैंक यू सो मच ताहिल कमाल खान, आवाज़ निकालिया क्योंकि। और मेरे साथ मेरे पूरी टीम आया है, जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन है, दादा साहब फाल्के आइकॉन एवर फिल्म्स, जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के तमाम वो परिवार यहाँ पर आया है। मैं सभी का नाम लेंगे, लेकिन उनके जफर पीरजादा जो हमारे डायरेक्टर है, उसके साथ साथ में मेरी जान है अन्ना, जिसको मैं दिल से हम लोग अन्ना बोलते हैं, रात को दिन में कभी भी फोन करता हूँ तो मेरा काम करके देता है यू चुटकी से। थैंक यू सो मच पंडरी अन्ना, ऐसे ही रहना मेरे साथ जिंदगी भर, एंड थैंक यू सो मच पंडरी अन्ना। एंड मेरी दीदी है अर्चना मैडम, जो देशमुख अर्चना, जो मेरी बड़ी बहन है, जो लॉकडाउन में जिन्होंने मेरे को बहुत साथ दिया है, जो और बहुत ही मलाड में वो रहती है, लेकिन वो उनकी जो काम है, उनके काम ही उनकी बोलते हैं, काम ही उनका नाम है। उसके साथ साथ में जफर पीरजादा, एक ऐसा एक नाम है जिनके नाम से ब्रांड है, जो नवी मुंबई में से लेके दिल्ली तक उनका नाम है, और मेरे इस एनजीओ में वो एक ऐसे पद में है, एक जिसका डायरेक्टर है। उसके साथ साथ में मेरे मुझे जो एक्टिंग सिखाया, क्योंकि मेरी फिल्म आ रहा है, फिल्म का नाम है भोपाल गैस कांड, तो भोपाल गैस कांड में जिन्होंने मुझे बहुत सारा मुझे एक्टिंग भी सिखाया, और साथ साथ मुझे जो जब भी मैं ये शो जो मैं शुरू किया था उनसे मेरा शुरुआत हुआ था, उनका नाम है आशफाक साहब। मैं थैंक यू सो मच आशफाक साहब, आप डायरेक्टर के साथ साथ में इस शो के डायरेक्टर है। और उसके साथ साथ में हमारे साथ केजे टॉकीज के मेंबर, मतलब जो केजे टॉकीज है, मेरा जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, उस ओटीटी प्लेटफॉर्म के मेंबर, और साथ साथ में वो कमिटी मेंबर है हमारे प्रदीप जैन जी, जो भंडारा वो करते हैं मलाड में, और उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ है तभी भी वो आए हैं। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, मेरा छोटा भाई और मॉडल एक्टर, और मेरे कंधे पे कंधे हाथ डालकर वो मेरे साथ में चल रहा है सुबह शाम रात दिन, उनका नाम है नामी, मेरा भाई सबसे बड़ा वीरू, मैं वीरू बोलता हूँ, वीरू जैन है लेकिन भैरव जैन है उनका नाम, मैं उनको दिल से मैं वीरू बोलता हूँ। थैंक यू सो मच, ये लोग कहते हैं जो वीरू का जुड़ी जो है आपका बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच वीरू। एंड थैंक यू सो मच मेरी जो पूरी चैनल को जो मेरा संभालता है समीर भाई, थैंक यू सो मच, जो मेरे दार्शनिक मुंबई, जो मेरा पेपर, जो मेरा चैनल है, उस चैनल को संभालने वाले हमारे समीर भाई। और उसके साथ साथ में मैं हमारे नवी मुंबई से तमाम मेरी जो बेस्ट, जो सबसे अच्छा जो मेरा ग्रुप है, वो ग्रुप मेरे साथ आया है यहाँ पर, मैं सभी का नाम लेना चाहता हूँ। और नवी मुंबई के इनर ब्रांड है, आप मेरे साथ में है, लेकिन मेरे साथ के बिना भी एक ब्रांड है, मतलब नवी मुंबई खारघर में इन लोग ब्रांड है, वो ब्रांड का नाम है कुमार विद्यानंद, जोड़ा तालियां हो जाए कुमार विद्यानंद के लिए।
ये खुद ही एक ब्रांड है, नाम ही उनका एक ब्रांड है। और मेरे साथ में मेरे इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन दीदी हमारा बोला मैंने हमारे ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हैं, थैंक यू सो मच कुमार विद्यानंद, एक ब्रांड इंसान है नवे मुंबई के। एंड थैंक यू सो मच किरण वर्मा, किरण वर्मा एक ऐसी महिला है, मेरी बड़ी बहन है, और उसके साथ साथ में वो गरीबों के लिए से मदद करता है, गरीबों के लिए वो साथ में वो चलते हैं। नमस्कार किरण वर्मा, मेरी बड़ी बहन, सबसे हमारी प्यारी, हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन में नस्लन में है और साथ साथ में अच्छे लेडी है, मेरी बड़ी बहन, थैंक यू सो मच। हमारे साथ में एक्ट्रेस है चंचला बनकर, जो मराठी के बहुत अच्छे एक्ट्रेस है, आज उनको मैं मिला हूँ, पंडरी सेट्टी ने उनको लेके आया, थैंक यू सो मच माय गेस्ट। नीलेश सेट्टी एक ऐसे एक युवा पीढ़ी है जो हमारा इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हैं और साथ साथ में नवी मुंबई में अच्छा काम कर रहा है, एक अच्छा युवा पीढ़ी है। नीलेश भाई थैंक यू सो मच। और हमारे विनोद भाई आपको दिल से मेरा प्रणाम। विनोद भाई आपको, आप जब भी आप पंडरी सर के साथ में आप आते हो, आपको दिल से मैं प्रणाम करता हूँ। एंड थैंक यू सो मच। हमारे साथ में है रमजान शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच आप यहाँ पर आए हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए आपको मैं COVID-19 योद्धा अवार्ड आपको मिल रहा है 23 नवंबर को, और उसके साथ साथ आप यहाँ पर आए हो, आपको दिल से मैं प्रणाम करता हूँ। सभी को, जितने भी मेरे प्यारे मीडिया आया है, मेरी दीबा भाई आया है, मेरे बड़े भाई है, इन तमाम जितने भी लोग आए, जो नहीं भी आया और जो आया, उन सभी को दिल से मेरा प्रणाम, मेरा सलाम, एंड उस सभी के लिए मेरा थैंक यू सो मच। तमाम जो मेरी मीडिया है, ये सबसे पहले मैं बोल दूं, मीडिया जो मेरी बाउंसर है, इनको भी मेरा प्रणाम, और जो मीडिया है ये मेरा परिवार है, मेरा घर है, इसी मीडिया ने एक चार्ट तक पड़ा हुआ अनपढ़ एक कल्याण जी को इन्होंने आज गरीबों के एक्टर बनाया, तो इसलिए मैं सभी मीडिया के बारे मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ तमाम जो मीडिया आए हैं। और ये एक ऐसा मीडिया है, ये मेरा ऐसा घर है, जो मेरी फिल्म जब आया था 2014 में, फिल्म का नाम है ढूंढ लेंगे मंजिला, ये तमाम मीडिया ने मुझे एक स्टार बनाया, एंड थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच मेरा PRO हिमांशु झुंझुनवाला, एंड थैंक यू सो मच, जो ये तमाम जो मीडिया हमारे बुलाया है, मुंबई रफ्तार, एंड थैंक यू सो मच खबर 24, इन सभी को, और अड्डा, ये तमाम आपको मेरा प्रणाम। बॉलीवुड अड्डा एक ऐसे चैनल है हमारे बॉलीवुड के नंबर वन, थैंक यू सो मच। मेरा पहला मेहमान है, हम इस मुंबई के और इस अंधेरी के एक ऐसे समाज सेवक जिसको हम प्यार से देवा अन्ना कहते हैं, मैं चाहता हूँ देवा अन्ना प्लीज कम, प्लीज आइए देवा अन्ना, प्लीज आइए। मैं चाहता हूँ देवा अन्ना को सम्मान करेंगे, जफर पीरजादा प्लीज आइए आप, हमारे देवा अन्ना साहब को आप सम्मान कीजिए, और अर्चना देशमुख आइए, आप दोनों मिलकर सम्मान कीजिए देवा अन्ना साहब को, आइए आप दोनों मिलके देवा अन्ना साहब, हाँ कहीं कहीं कैसी भाई, आइए दोनों मिलकर सम्मान कीजिए, तालियां हो गए एक बार। बोला मैं 5 दिन पहले, हमारे एक डांसर है जो माँ बाप नहीं है, कोई नहीं है उनकी इस मुंबई शहर में, लेकिन देवा अन्ना को मालूम पड़ता है जो उनके कोई नहीं है, और उनके साथ में उनकी ऑफिस में सोया करता था, तो वो गुजर गए और हमारे बीच अभी नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर, वो हॉस्पिटल उनको नहीं दे रहा था बॉडी, तो देवा अन्ना ने बोला नहीं बॉडी क्यों नहीं दे रहे हो, तो उनकी बॉडी को लेके आना, उसके बाद उनको क्रियाक्रम करके पूरा अच्छा से उनकी, जैसे होते हैं, जैसे ऐसा लगता नहीं है परिवार उनका नहीं है, ऐसा लगता है यही उनके परिवार है, इस तरीके से काम करते हैं, और भी काम किए उन्होंने लॉकडाउन में, लोगों को खाना खिलाया, लोगों को अनाज दिया, तो मैं ऐसे आदमी को मैं सलाम करता सर, थैंक यू सो मच आप आए सर, थैंक यू सो मच सर, बोलिए सर आप प्लीज, साहब पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार, और कल्याण जी जो हमारे भाई है, वो उन्होंने इतने टाइम से मीडिया के लिए काम किया है, फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है, फिल्म इंडस्ट्री के गरीबों के लिए काम किया है, किसी को मेडिसिन नहीं है उनको मेडिसिन पहुँचाना, किसी को खाना नहीं है उनको खाना पहुँचाना, ही इज़ नॉट ओनली अ गुड ह्यूमन बींग बट इज़ अ प्योर सोल आई कैन से, मतलब उन्होंने जिस तरीके से लोगों आई सी वी से दैट यू नो दुनिया बहुत छोटी है, तो इन्होंने इनके जो काम है ये सिर्फ मुंबई में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं इंडिया में नहीं, ग्लोबली चलता है इनका काम, और जिस तरीके से इन्होंने
जनसेवा किया है, मानव कल्याण के लिए जो इन्होंने काम किया है, उससे उस इच्छा को, उनकी उस इच्छा शक्ति को मैं नमन करता हूँ। और आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि जिस तरीके से आप सब कल्याण जी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके जो ग्रेट डीड्स को आप आगे लेके जा रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग मिलके एक फैमिली की तरह कल्याण जी को सपोर्ट करें। और जो इनका इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जिनका भाई अभी अवार्ड फंक्शन रख रहे हैं, बस उस फंक्शन को और विजय करें और हर साल क्या बोलते हैं दुगनी दुगनी डबल फोर से आप आगे बढ़े और ऐसे ही गरीबों का मदद करें। और बस इसी ये करके अपने दो शब्द का मैं रोकता हूँ। जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्र। जो अवार्ड ट्रॉफी है राज्यपाल जी ने अनवील की है। जी 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 जी, वो तो मेरा ये मानना है कि दादा साहब फाल्के जो साहब है, जो सर है, इन ये फिल्म इंडस्ट्री के आचार्य है, गॉडफादर है। मतलब या मेरा ऐसा मानना है कि जैसे अभी हम थिएटर में मूवी देखने जाते हैं, तो जैसे हम राष्ट्रगीत पहले चलाते हैं, उसके राष्ट्रगीत के बाद हमारा ऐसा प्रस्ताव रखा है हमने कि दादा साहब फाल्के जी का पिक्चर दर्शाया जाए और फिर मूवी स्टार्ट किया जाए। क्या बात ये हमने ये सरकार के सामने रखा है ये बात, तो अभी उसके ऊपर बहुत जल्दी आएंगे, सर भी आएंगे, साथ में कल्याण जी भी आएंगे, और हम पवार साहब के पास हम ये बात अर्जी रखा है हमने, और उसके ऊपर हमको क्या आदेश मिलता है उसके लिए हम रुके हैं। तो एक बार ये कोरोना काल जरा ख़त्म हो जाए तो फिर दुविधा तो सब जगह पर है, ये दुविधा से निकले हम सब साथ में मिलके, फिर भगवान का आशीर्वाद से सब ठीक होगा। नमस्कार जी, थैंक यू, आपने मेरे को बुलाया, थैंक यू, थैंक यू। ये मैं जफर पीरजादा हूँ और ये दादा साहब फाल्के अवार्ड में नेशनल डायरेक्टर की पोस्ट पे हूँ, तो कल्याण जी भाई के साथ में। मेन चीज़ तो ये है कि ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक खुशखबरी का है और इतना बड़ा अचीवमेंट है कि जो ट्रॉफी को अगर राज्यपाल अगर उसका ओपनिंग करता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। तो ये तो हमारा एक तारीफ काबिल है जो कल्याण जी भाई ये जिस तरीके से अपना ये काम लेके चल रहे हैं, जितने लोगों को साथ में लेके आ रहे हैं, और ये जितना भी इनका काम जो होता है वो एक अलग ही लेवल का होता है, तो ये बहुत खुशी की बात है और एक अलग इसका इम्पेक्ट होता है इंडस्ट्री के लिए भी और जितने भी सोशल वर्कर हैं उनके लिए भी एक प्राउड फील होता है कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी टॉपिक, बिल्कुल, जिस तरीके से आप जानते हो कि टिकटॉक को गवर्नमेंट ने बंद करा दिया है और वोकल टू लोकल, जिस तरीके से हमारे मोदी जी का भी नारा है कि भाई जो लोकल चीज़ है उसको आप लोग प्रमोट करिए, तो वो उसकी को मद्देनज़र रखते हुए कल्याण जी भाई ने ये टिक का जो किया है, ये भी एक जैसा टिकटॉक था वैसा ही प्लेटफॉर्म है, आप अपनी हर चीज़ उसके ऊपर शेयर कर सकते हो, तो वो भी काफ़ी अभी इतनी अच्छी अच्छी टैलेंट है, अभी आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री में भी काफ़ी ऐसे टैलेंट है लेकिन वो शो नहीं कर सकते, तो ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि आपके पास जो भी टैलेंट है, एक्टिंग है, सिंगिंग है, वीडियो है, फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है, सब चीज़ें आप इसके ऊपर रख सकते हो ताकि काफ़ी लोगों तक पहुँचता है ये चीज़ें, तो ये एक अपकमिंग जो टैलेंट है उसके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म शुरू किया है कल्याण जी भाई ने। सबसे पहले तो आप सबको वेरी वार्म गुड इवनिंग, नमस्कार। कल्याण जी जाना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें यहाँ इनवाइट किया, बुलाया, इतना मान दिया इसके लिए। और सबसे अच्छी खासियत ये कल्याण जी की मैं ये बोलना चाहूँगी कि वो किसी में कभी भेदभाव नहीं करते, चाहे वो कोई से भी कैटेगरी के उनका पोस्ट हो या कोई भी हो, उन्होंने सबको इक्वल रखा हुआ है और उन्होंने सबको इनवाइट किया है एज अ ओपन, उसमें कि आप आइए हमारे फंक्शन में, आइए सपोर्ट करिए। और मैं कल्याण जी जाना को उनके बेस्ट फ्यूचर के लिए गुड लक, बेस्ट विशेस देना चाहूँगी, वो ऐसे ही तरक्की करते रहे, आगे बढ़ते रहे, बहुत उन्नति करे। मैं इनको आज से नहीं, मैं इनको कम से कम 13 से 14 साल पहले से जान रही हूँ, जब इनका एक ड्रीम था, ये बोलते थे दीदी मुझे भविष्य में कुछ बहुत बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है, और उनका आज वो सपना पूरा होने को आया। मैं इससे ज़्यादा खुश शायद ही कोई होगा, मुझे बहुत खुशी होती है जो उन्होंने एक छोटा सा सपना, एक छोटी सी बात मेरे सामने रखी थी, मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना, बड़ा इससे बड़ा और अचीवमेंट क्या होगा। दादा साहब फाल्के जिनके नाम पे फिल्म इंडस्ट्री है, अगर आप उन्हीं को मान सम्मान नहीं दोगे, आने वाली जनरेशन उन्हीं को नहीं जानेगी, तो फिर फिल्म इंडस्ट्री का मतलब क्या है।
और ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जो छोटे लेवल से आते हैं, गांव से आते हैं, गरीब लेवल से आते हैं। यहाँ पे देखा जाता है फिल्म इंडस्ट्री में सब जैक के थ्रू जाते हैं, उनके रिलेटिव्स, उनके पापा, उनके दादा, वो सब फिल्म इंडस्ट्री में रहते हैं, तो उनके बच्चों को इजीली रोल्स मिल जाते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट अदर्स, उनके बारे में क्या? ज़रूरी नहीं है वो कलाकार हो, एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, कोई भी हो, मेकअप मैन हो सकता है, आर्टिस्ट हो सकता है, ब्यूटिशियन हो सकती है, कोई भी फील्ड में। ये जो लेवल, ये प्लेटफॉर्म इन्होंने जो दिया है, खड़ा कर रहे हैं, ये सबके लिए। तो इसलिए मैं इनके साथ शुरू से, फर्स्ट डे से, और हम लोगों ने कोरोना में इतना ज़्यादा इनको सपोर्ट किया, इनको मतलब लोगों को फूड की प्रॉब्लम होती थी तो हम लोग अनाउंसमेंट करते थे ओपनली कि फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी लोग हैं, प्लीज़ कोई भी खाना ना होने के कारण सुसाइड जैसा कदम सोचना भी नहीं, करना तो बहुत दूर की बात है। आप लोग बस हमें एक कॉल करिए, एक मैसेज करिए, हमारे टीम के कोई ना कोई वॉलंटियर्स आएंगे और आप लोगों के घर में आपको खाना पहुंचाया जाएगा। और ये बोला ही नहीं है, ये करके दिखाया है, और ये दिन रात इतना भागे हैं, इसका साक्षी मैं खुद हूँ। तो और मैं ओपनली आज यहाँ पर बोल रही हूँ, मुझे इस ग्रुप से तोड़ने की बहुत कोशिश की गई, बोलूं बहुत कोशिश की गई कि इनको छोड़ो, ये कुछ नहीं है, ये आपको बहला रहे हैं, इनका सक्सेस नहीं होने वाला है। लेकिन हमने उनको भी चैलेंज कर दिया कि हम करके दिखाएंगे। जहाँ पे जफर जैसे सर और प्रदीप जी जैसे इंसान हम लोगों के साथ में, उस टीम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम लोग सब मजबूत प्लेयर थे और हम ये प्रूव करके दिखा देंगे, हमारा ये दादा साहब फाल्के अवार्ड शो एकदम सुपर हिट होएगा। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, और मेरे दोस्त कल्याण जी जाना का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमेशा मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद देते हैं, दुआएं देते हैं, और मेरे सुख दुख में भी हमेशा खड़े रहते हैं। और मैं दूसरी बात ये है कि सावन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो मेरे करीबन जब से फिल्मी दुनिया में आया हूँ तब से मित्र हैं। आज इन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ फिल्म दी है इंडस्ट्री को, दगड़ी चाल, बहुत फेमस, बहुत हिट हुई। तो मैं कहते हैं ना कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर बोल नहीं पाते हैं तो वो अपना जिम्मा एक्टरों को दे देते हैं, तो इनकी तरफ से भी मैं ही बोल देता हूँ, कल्याण जी जाना को बहुत बहुत शुभकामनाएं दगड़ी चाल टीम की तरफ से। दगड़ी चाल दादा साहेब फाल्के और कल्याण जी जाना को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका शो इतना बड़ा हिट हो कि हिंदुस्तान का ये नंबर वन शो ऑलरेडी पहले से है और नंबर वन बने। कल्याण जी जाना बहुत अच्छे इंसान है ये, इनका बहुत अच्छा व्यक्तित्व है, और ऐसे लोग कम से कम, बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं करते लेकिन वो कहीं ना कहीं एक इतिहास लिख जाते हैं जो याद रह जाता है लोगों को। तो मेरी खूब शुभकामनाएं, खूब इतिहास रचो हिंदुस्तानी सिनेमा जगत को, एक बड़ा नाम दो कल्याण जी जाना के रूप में जो कि इतिहास बने और पूरे वर्ल्ड को प्रेरणा मिले कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं आज तक जिन्होंने भी इतिहास रचा है, वो बड़े ज़मीनी स्तर से आए हैं, जैसे कि आप चाहे श्री अब्दुल कलाम जी को ले लो, चाहे बिल गेट्स को ले लो, चाहे बराक ओबामा को ले लो, और भी चाहे हमारे प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी जी को ले लो, बहुत से लोगों ने इस तरह के काम करते करते एक इतिहास रचा। खैर वो क्षेत्र अलग था, ये क्षेत्र अलग है, लेकिन इस क्षेत्र में भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब, दिलीप साहब, शाहरुख साहब, अक्षय कुमार, जो एक नॉन फैमिली अदर फैमिली से आके उन्होंने इतिहास रचा। तो कल्याण जी जाना को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अल्लाह आपको खूब कामयाबी दे। जिस तरह से आप, जितनी तेज़ी से आप काम कर रहे हो, मैंने सुना कि जितनी तेज़ी से आप बॉल फेंकोगे उतनी तेज़ी से वो वापसी आती है, जितनी तेज़ी से आप काम कर रहे हो इंडस्ट्री में इतनी तेज़ी से अक्षय कुमार करता है और शाहरुख खान करता है। मैं दुआ करता हूँ कि आपका भी एक दिन पूरे वर्ल्ड में नाम हो और इसी तरह से आप काम करते रहें। लोगों की जितनी आपने हेल्प की है लॉकडाउन में, मैं खुद उसका गवाह हूँ। कई बार मैं भी आपके साथ गया हूँ, आपने कई बार बोला कि आप अपने हाथों से दो, लेकिन मैंने मना किया कि आप कर रहे हो, आप ही करते रहो। तो आपको मेरी बहुत सारी दुआएं, मेरे परिवार की दुआएं, दगड़ी चाल की दुआएं और पूरे भारत की दुआएं। आप इसी तरह से काम करते रहो और दुनिया में अपना नाम करते रहो।
बहुत बहुत शुभकामनाएं, लव यू मेरे दोस्त। हमारे बीच में मेरी अच्छी फ्रेंड, शो के जो शो होते हैं ना हमारी पूरी इंडिया में, एंकर के बादशाह, ऐसे एंकर मुझे तो नहीं लगता है कोई और है। उसके साथ में एक्ट्रेस भी है, मॉडल भी है, मिस इंडिया, क्या नहीं है। और इस लॉकडाउन में लोग बहुत सारे एंकर चुप बैठे घर में, लेकिन ये तो रोज के रोज शो, नाइट में शो, दिन में शो, और उसके साथ में ऑनलाइन जो शो उन्होंने किया है लॉकडाउन में, मैं मुझे नहीं लगता कोई बड़ा कोई एंकर ने कभी ऐसा काम किया। एक ऐसा एंकर, एक्टर, मॉडल, मल्टी टैलेंटेड एंकर जिसका नाम है सिमरन आहूजा, प्लीज आइए, प्लीज आइए, प्लीज आइए। सबसे पहले थैंक यू सो मच, एब्सोल्युटली एन ऑनर, एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं सूरत से यहाँ आई, यू नो, फॉर दिस वंडरस प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपकी डेट तो ऑलरेडी फिक्स थी, लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, कल्याण जी जाना सबकी जान बन चुके हैं, सबके दिलों की जान बन चुके हैं, और इनके जो शोज होते हैं हैव बिकम लार्जर देन लाइफ, तो मैं आपको तहे दिल से बधाई देना चाहूंगी। थैंक यू, थैंक यू, यू नो, टू यू एंड यू नो आपकी पूरी क्रू को, कि हर साल, यू नो, ईयर आफ्टर ईयर, मंथ आफ्टर मंथ, आप इतने मैग्निफिसेंट शोज करते हैं, न सिर्फ भारत देश में बट ऑल्सो इन UAE, दुबई एंड सेवरल अदर कंट्रीज। तो मैं तहे दिल से हम्बल थैंक्स टू ऑल आवर फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया, जो हमारा शो हो रहा है, काफ़ी सारे शोज़ हैं, राइट फ्रॉम 23rd इन द आफ्टरनून फिल्म फेस्टिवल से जो शुरुआत हो रही है, ऐसे लग रहा है कि बस ये, यू नो, इट्स फ्लोज ऑफ शोज, वहाँ से लेकर ऑफ कोर्स टू द मोस्ट मैग्निफिसेंट अवार्ड्स ऑन द 23rd इवनिंग पेनिनसुला ग्रैंड, वेयर एवरीवन इज इनवाइटेड। आप प्लीज़, आप सभी लोग ज़रूर आइए वहाँ पर, एंड इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ इट्स काइंड अवार्ड्स जो हमारे ट्रू वॉरियर्स को जा रहा है। COVID-19 में हम सब ने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, ब्यूटिफुल philosophy of life सबने सीखी है अपने अपने तरफ से, it's been different for everyone across the world, for a change सारा world इसमें शामिल था। तो जो हमारे बहुत ही beautiful frontliners हैं, COVID के warriors हैं, हम उन्हें felicitate करना चाह रहे हैं, और ये हो रहा है live, so this is very interesting, क्योंकि हम हमेशा घर बैठे हमने virtual show सारे किए हैं, लेकिन जो लाइव शो हो रहा है, वेयर वी आर ट्रूली प्रेजेंटिंग अवार्ड्स फॉर आर कोविड वॉरियर्स, दैट इज 23rd इवनिंग एंड 24th इज द मैग्निफिसेंट अवार्ड, यू नो, वी गोना डेफिनेटली मेंशन अबाउट, यू नो, अ फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, श्री दादा साहब फाल्के जी, एंड आई बीन वेरी फॉर्चुनेट टू बी एसोसिएटेड विद देम एंड देयर अवार्ड्स सिंस द पास्ट 5 years। आई थिंक जब, यू नो, कोई भी अवार्ड होता है, यू नो, रिलेटेड टू आर फादर ऑफ, यू नो, इंडियन सिनेमा, सो हमेशा ऐसी ब्यूटीफुल फीलिंग आती है, बिकॉज अगर शायद ये सब नहीं होता तो आज बॉलीवुड जिस मकाम तक पहुंचा है नहीं पहुंच पाता। सो वी ऑल ओवर टू द प्रेस्टीजियस दादा साहब फाल्के सर, एंड ऑफ कोर्स मैं ज़रूर कहना चाहूँगी दैट हर लड़के या लड़की का सपना होता है टू गेट इन टू द फील्ड ऑफ एक्टिंग, टू बी समवेयर अराउंड फिल्म मेकिंग, बिकॉज यू नो, जो हम सपने देखते हैं ना, इतने बड़े सपने देखते हैं, यू नो, आँखें खोलकर सपने देखते हैं, और वो सपने साकार करने हम मुंबई शहर में आते हैं। सो वी आर हियर टू फेलिसिटेट एवरीवन फ्रॉम द इंडियन फिल्म फ्रेटर्निटी फॉर द प्रेस्टीजियस दादा साहब फाल्के अवार्ड विच इज़ हैपनिंग, दैट इज दादा साहब फाल्के आईकॉन अवार्ड फिल्म। सो आई वेलकम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू 24th इवनिंग को फॉर दादा साहब फाल्के Icon Award Films 2020. Thank you. By Kalyanji Ji. Thank you. Thank and you. I'm truly honored and blessed to be hosting all the events. And bahut bahut shukriya Kalyanji. Thank you. Even thank last you. Time jab aapka event tha, you know, we have everyone from our Indian film fraternity. And sabhi ko special kis tarah se feel karwana hai. You know, out of the world, outstanding work aur jo phenomenal kaam unhone kiya hai in the world of films and Bollywood is exceptional. हम उन सबको definitely, you know, dedicate करेंगे this prestigious दादा साहब फाल्के icon award films 2020. So Abhi, thank you so much. हमारे ऑनरेबल गवर्नर के हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, और मैं ज़रूर कहना चाहूँगी हमारे ऑनरेबल गवर्नर कोश्यारी सर के लिए कि वो इतने डायनामिक हैं और बहुत बहुत इनक्रेज करते हैं,
यू नो द यूथ ऑफ टुडे एंड ऑफ कोर्स जिन्होंने इतना एक्सेप्शनल वर्क किया है इन द फिल्म ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और उन्होंने लॉन्च की थी ट्रॉफी 5 days back तो हम तहे दिल से हमारे ऑनरेबल गवर्नर के शुक्रगुजार हैं एंड थैंक यू सर कि आपने हमें इंस्पायर किया है टू गो अहेड एंड ये जो अवार्ड्स की शुरुआत अब इसी महीने से हुई है नवंबर के महीने से सो बस उसका एक्साइटमेंट फोर फोल्ड हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ ऑनरेबल गवर्नर तो हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं एंड द प्रेस्टीजियस दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स 2020 जो हो रहा है 24th of November पेनिनसुला होटल में शाम को मैं चाहूँगी आप सब ज़रूर हमारे साथ जुड़िए हमें पता है हमें अब भी केयरफुल रहना है थोड़ा सा मेंटेन करना है वो सब प्रोटोकॉल्स को हम नज़र रखते हुए सभी सेफ्टी मेजर्स लेते हुए हम ये ब्यूटीफुल प्रेस्टीजियस अवार्ड्स कर रहे हैं जहाँ आप सबका स्वागत करेंगे और हम लाइव भी जाएंगे फेसबुक पर तो आप अगर घर बैठे हैं तो हमें लाइव वहाँ से भी देख सकते हैं बट अगर आप लाइव बिल्कुल लाइव देखना चाहते हैं तो ज़रूर पहुँचिए पेनिनसुला होटल ऑन द 24th of November मुश्किलें तो बहुत देखे पहले तो आप सभी को पता है कितनी मुश्किलें आई थी हम लोग को हम लोग उसका सामना करते हुए भी पहला शो किए और सक्सेस अब हम लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग सेकेंड शो करने जा रहे हैं लॉकडाउन लगभग ख़त्म हो रहा है लेकिन अभी भी लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ है फिर भी हम लोग शो करने जा रहे हैं हिम्मत की है बहुत बड़ी बस तैयारी की है सब बहुत अच्छी सी आपकी नए तरीके से हम लोग ने कुछ किया है आप लोग जब देखेंगे तो समझ में आएगा कुछ मैं ना का मुंबई का इनके इसमें अध्यक्ष हूँ मैं और मेरी शुभकामना है कि जो संजी ने जो अपनी मेहनत से नीचे से लेकर ऊपर कैसे आए मैं उनको 10 साल से पहचान रहा हूँ मैं और इनका जो भी मन का जो इच्छा है वो पूरी सफल हुए और जो इन्होंने दादा साहब के अवार्ड के हिसाब से किया हुआ है वो आई इसके बाद में जो 1 जनवरी के बाद में 2021 में जो गरीबों का खाना यहाँ पे खिलाने वाले हैं उसका जो इनकम आएगी उसमें से वो उसमें खिलाने वाले गरीबों को खाना जो पिक्चर रैंक वाले है जो उनके पास खाना नहीं मिल रहा है जो आज के हिसाब से काम नहीं है कुछ भी नहीं है उसकी बहुत मेहनत करे अभी वो मैं उनको पूरा का पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ मैं वो मैं कोशिश करूँगा कि जो खाना खिला रहे वहाँ पर वो मैं पूरा उनके साथ देऊँगा मैं 75% उनके साथ देऊँगा वो जो भी उसमें चावल जो भी इतना लगेगा वो सब मैं नाम कर देगा बस मेरी शुभकामना यही है पहला तो मैं शुक्रिया अदा करूँगी कल्याण जी थाना का कि उन्होंने यहाँ पे बुलाया और पहली बात ये कि लॉकडाउन में हम लोग कई देखे नहीं थे चेहरे जो आज हमको मिले हम लोग मिले इसके लिए मैं बहुत सारा शुक्रिया अदा करूँगी कि इतने 3 महीनों से हम लोग घर में बैठे थे हम लोग सब इवेंट करते तो कभी किसी से मिल नहीं पाए इस चलते हम पहला कल्याण जी गाना के शो में हम लोग मिल रहे हैं इसकी बहुत बड़ी मुझे खुशी हो रही है ये एक अच्छा आइकॉन दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड एक्चुअली मी मराठी एक्टर्स है MNS पार्टीची पॉलिटिकल आहे खारघर शहर अध्यक्ष तर मला म्हणजे म्हणायचं आहे की दादासाहेब फाळके आयकॉन अवॉर्ड हा एक खूप चांगला प्लॅटफॉर्म आणि जे कल्याणजी जाणा करत आहेत त्यासाठी खूपच त्यांना म्हणजे चांगलं एक लोकांसाठी आहे आणि वरून टिकटिक हा जो ॲप आहे जो टिकटॉकसाठी जो टिकटॉक करते थे जिनको प्लॅटफॉर्म अच्छा लगता था टिकटॉक बनाते थे जिनका जो एक्टिंग था एक्टिंग फील्ड था उनके लिए वो प्लेटफॉर्म था आज वही टिक टिक करके ये ऐप बना रहे तो उनके लिए बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है और वो जो ये ऐप कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही शुक्रिया अदा करूँगी और उनके बाकी सोशल एक्टिविटीज़ जो वो करते हैं और अभी इतने सारे प्रोग्राम में इतने बड़े लोग हस्ती आ रहे तो उनके लिए बहुत अच्छा ये करूँगी और उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी थैंक यू मैं कल्याण जी का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हम लोग को यह इनविटेशन दिया और कल्याण जी एक बहुत अच्छे इंसान हैं दिल से बहुत अच्छे इंसान हैं इनको जस्ट अभी जो कोविड का टाइम था मैंने हम नवी मुंबई में रहते हैं जस्ट मैंने कुछ रिक्वायरमेंट्स मुझे ये साइड के भी आए थे yes. उनको जस्ट मैंने फ़ोन किया कल्याण जी मेरे पास में कुछ रिक्वायरमेंट्स आए हुए हैं आप बिलीव नहीं करोगे विद इन आवर्स मुझे उनका फीडबैक आ जाता है कि दीदी आपने जो रिक्वायरमेंट दिया फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि वो रिक्वायरमेंट मैंने पूरा कर दिया करके उन्होंने बहुत कोविड के समय बहुत लोगों की हेल्प किया करके और मैं
भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जो दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड है वो बहुत ऊपर जाए और उनकी मेहनत दिखा रहे जो है उसके हिसाब से बहुत ऊपर जाए करके हर हर महादेव। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच आप लोग यहाँ पे आए, अपना कीमती जो टाइम है यहाँ पे निकाले। और सबसे पहले बात मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ हमारे कल्याण जी जाना सर को और हमारे पंडरी शेट्टी सर और नई मुंबई से जो भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं। बिकॉज मेरा ऐसा कहना होता है कि जो मेरे पापा बोलते हैं, अगर आप कुछ अच्छा कर्म करते हो तो उसका अच्छा मिलता है, बुरा कर्म करते हो तो उसका बुरा मिलता है। तो मुझे लगता है आज अगर मैं दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स में अगर जुड़ा हूँ तो मैंने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, जिसके वजह से मैं आज कल्याण जी जाना सर से जुड़ा हूँ, इस शो का हिस्सा बना हूँ। और ये एक फैमिलियर शो है जो नई मुंबई में हम जो काम करते हैं, जैसा मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, हम इवेंट्स में काम करते हैं, डांस जो होता है वो सिखाते हैं, सोशल वर्क करते हैं, वही अगर मैंने देखा कि एक आर्टिस्ट इतने लेवल पे जो हर एक फील्ड के कैटेगरी के फील्ड को सपोर्ट कर रहा है, इस तरह वो अपने एक शो खड़ा करके, एक शो खड़ा करना आसान नहीं है। बिकॉज मैं खुद एक इवेंट ऑर्गेनाइज़र रह चुका हूँ इंडियाज़ बिगेस्ट डांस फिएस्टा का, तो मुझे पता है आज अगर इतने सेलिब्रिटीज़ एक अंडर वन रूफ में अगर आ रहे हैं तो उसके पीछे उन्होंने कितना टाइम बिताया होगा। तो उसके लिए बहुत 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 बड़ा शुभकामनाएं सर हमारी तरफ से, नई मुंबई की तरफ से। और इसी तरह आप करते रहिए, आप हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशन है, इसी तरह आप हमसे जुड़े रहिए और हमें बहुत मिलके खुशी हुई कि इस तरह हमारे जो लाइफ में इस सारे लोग हैं और हमें हमेशा मोटिवेट करते हैं। थैंक यू सो मच। मैं इस जो भी इस दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स का मैं हिस्सा रहा, थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा कल्याण जी जाना सर का, जिन्होंने एक्चुअली मैं एक होपमेर फाउंडेशन, मैंने एक एनजीओ बनाया जब लॉकडाउन आया, तो जो मैंने एक सोचा कि एक कुछ अपन भी हेल्प करें इनके जैसा, तो मैंने एक एनजीओ बनाया और उन्होंने मुझे मेरा काम देख के जफर, मैं थैंक यू बोलूँगा जफर सर का जिन्होंने मुझे दी अपने यहाँ पे आने की, और इन्होंने मेरा काम देख के उन्होंने मुझे जो भी अपना 23 नवंबर को अपना जो अवार्ड फंक्शन आने वाले कोविड योद्धा, तो उन्होंने मुझे उसके लिए चूज़ किया, उसके लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ कि मुझे एक अवार्ड दे रहे हैं, हमारे एनजीओ का और नाम होगा और हम और इसे उनके जैसे और आगे हम बहुत ज़्यादा काम कर सके, इसलिए मैं उनका शुक्रिया बोलता हूँ। और जाफर सर का भी मैं थैंक यू बोलता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पे लाया शो के लिए, थैंक यू। गुड इवनिंग, नमस्ते। एक्चुअली मैं एक कोरियोग्राफर हूँ, मेरा नाम एग्नेस हैमिल्टन है और कल्याण जाना मेरा बेटा है और वो मुझे मम्मी बोलता है, तो उन्होंने मुझे दादा भाई फाल्के अवार्ड जो होने जा रहा है आइकॉन, तो 24th को मुझे अवार्ड भी दे रहा है एज द बेस्ट कोरियोग्राफर आफ्टर सरोज खान जी, मेरी गुरु है मास्टर जी। और कल्याण जी आ जाने को मैं इसके लिए मैं ब्लेसिंग दे रही हूँ कि वो बहुत मेहनत कर रहा है और सारे गरीब लोगों के बारे में सोचता है, आज तक किसी कोई एक्टर ऐसा सोचा नहीं है जो आज वो सोच रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम है और उस पूरी पूरी ब्लेसिंग मेरे तरफ से कल्याण जी आनंद जी को है, कल्याण जाने को है, ताकि वो आगे बढ़े और शो एक नंबर हो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। थैंक यू। मेरा नाम है पंडरी शेट्टी, मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ DPIFN दादा साहेब फाल्के आइकॉन फिल्म का। कल्याण जी जाना एनर्जेटिक, जो जितना एनर्जेटिक है, पूरा रात को 2 बजे भी मेरे को उठा लेते हो लेटर बनाने के लिए, साहब गवर्नर को लेटर देना है सुबह 9 बजे को, मतलब उसका हाथ में 8 बजे मिलना ही है लेटर को, तो इसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू कल्याण जी जाना द एनर्जिक पर्सन एंड, तो उसका काम के बारे में सब लोग तो बोल ही लेते हैं, अपना ऑनलाइन आते रहते हैं, सब चल रहा ही है, इसके बावजूद आई जस्ट ब्लेस हिम द ऑर्गेनाइजेशन एंड एवरी वन इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ DPIAF। और हमारा जो शो है 23rd और 24th, इट विल बी रिटन इन द बुक्स ऑफ इवेंट्स, दैट इज आई एम 100% श्योर। थैंक यू वेरी मच। जय महाराष्ट्र। नमस्कार, मैं कुमार विद्यानंद। मेरे लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि मैं कल्याण जी जना से एसोसिएटेड हूँ, इनकी प्रेस्टिजियस फर्म के साथ एसोसिएटेड हूँ, और ये इंसान जिद्दी इंसान, इसको मैं कह सकता हूँ कि ये अगर ठान ले, मेरी कई बार बात होती रहती थी अन्ना से भी, पंडरी शेट्टी अन्ना से, कि रात में आज कल्याण जी कहाँ पे हैं, तो आज ये स्टेट में घूम रहे हैं, आज उस जगह पे जा रहे हैं, आज उनको मिलने का प्लान है, आज ऐसे कर रहे हैं। सो इनके लिए मैं 2 लाइन अगर कहूँ तो शायद ये सबके लिए एक रोल मॉडल के हिसाब से है कि रोज़ गिर गिर कर भी मुकम्मल मैं हो जाता हूँ, देख मुश्किल मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ। और ये इंसान वो है जो हर वक्त प्रूव करता है कि आई एम डिटरमाइंड एंड आई एम मूविंग अहेड। सो ऐसे लोगों के लिए तो
मतलब बेस्ट विशेस तो हमेशा होती हैं और हम ये देखने के लिए उत्सुक रहते हैं कि क्या अब नया होने वाला है, कितना बड़ा होने वाला है। तो 23rd और 24th सबके लिए एक विटनेस होने जा रहा है आइकॉन अवार्ड, दादाजी फाल्के फिल्म आइकॉन अवार्ड। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू बी पार्ट ऑफ इट एंड जस्ट वॉच इट, यू विल लव इट। थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग टू ऑल फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट विशेस टू कल्याण जी भाई फॉर बिगर सक्सेस, मच मोर बिगर सक्सेस। थैंक यू वेरी मच। आप सभी मीडिया वालों का मेरा प्रणाम। आप आए, हमें प्यार देने दिए आपने, और जो भी जो प्रोग्राम हो रहा है 24 तारीख को 23 तारीख को, इसके लिए मैं कल्याण जी मेरे बड़े भाई, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ और बहुत बहुत उनके हमेशा उनके साथ में रहूँगा, हर उनके हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ में हमेशा। और जो काम कर रहे हैं वो ना दिन देख रहे ना रात देख रहे हैं, और चट्टान के जैसे खड़े सब गरीबों के लिए, सब मसीहा बने हुए हैं और आगे भी यही काम करते रहेंगे वो, इनके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। थैंक यू भाई। थैंक यू सर। थैंक यू। सबसे पहले मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर अजय दुबे जी को, और एंड थैंक यू सो मच वीरू जी को जिन्होंने हमारे साथ में वो गए थे वहाँ पर। थैंक यू सो मच डॉक्टर अजय दुबे जी को जिन्होंने मुझे वहाँ पर लेके गया, और मुझे तो बहुत मैंने बहुत लोगों को बोला जो मुझे राज्यपाल के जी से हाथों से मुझे करना है, लेकिन उन्होंने सब ने जवाब नहीं दिया, लेकिन थैंक यू सो मच डॉक्टर अजय दुबे जी को। और इतना बड़ा ट्रॉफी का हुआ उद्घाटन, उसके साथ साथ में हमने कुछ पॉइंट रखा था हम लोग वहाँ पर, मैं उनको गुरुजी मैं बोला था, तो बोला कल्याण जी है तो आनंद जी कहाँ है, मैंने बोला आनंद जी आप बन जाओ, तो इन्होंने इतना अच्छा से हमें बात किया है। आज गोवा के है, गोवा और महाराष्ट्र के वो राज्यपाल है, तो हमें कान पकड़ रहा हूँ मैं सबसे पहले, क्योंकि इतनी बड़े पद में है वो। जब मैंने बोला जब मैंने मुझे ये 9 पॉइंट रखना है, ये 9 पॉइंट में मुझे बात करना है, तो मैंने करो कल्याण जी तुम बोलो क्या करना है। मैंने सबसे पहले मैंने बोला जो दादा साहेब फाल्के के नाम से एक मुझे पुतला का करना है उद्घाटन। आज इस मुंबई शहर में शाहरुख सलमान अक्षय आमिर तमाम बड़े बड़े स्टार हैं, सबके पास 20-20 घर है, 5-5 घर है, लेकिन इस मुंबई शहर में इस महानगरी में एक पुतला नहीं है हमारे दादा साहेब फाल्के का। तो ये ऑर्गेनाइजेशन और आप सभी की दुआ से हमें बांद्रा में 15 फुट का पुतला कर रहा है हम उद्घाटन, ये आप सभी की दुआ से। सेकेंड हम लोग कर रहे हैं जो दादा साहेब फाल्के के नाम का ट्रॉफी सभी बड़े स्टार को मिलता है राष्ट्रपति के हाथों से, लेकिन उस इंसान ने इस इंडस्ट्री को जन्म दिया, लेकिन उनको भारत रत्न क्यों नहीं मिल रहा? उस इंडस्ट्री में काम करने वाले को मिलता है भारत रत्न, लेकिन जिसने इस इंडस्ट्री को बनाया जन्म दिया उनको अभी तक भारत रत्न क्यों नहीं मिल रहा, ये मैंने बात रखा और मैं दिला के रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तीसरा हमने पॉइंट रखा है जो भाई इस इंडस्ट्री के वजह से तो हमारे घर चल रहा है, पेट चल रहा है, परिवार चल रहा है, तो उनका फोटो उस स्टूडियो में क्यों नहीं है, चाहे वो डांस क्लास हो, चाहे एक्टिंग क्लास हो, चाहे स्टूडियो हो, कहीं भी शूटिंग हो रहा है, वो हमारे लिए भगवान के रूप है, अल्लाह के रूप है, तो उनका फोटो स्टूडियो में क्यों नहीं है। हमने चौथा बात रखा है हमने उनके सामने जो दादा साहेब फाल्के का पुतला ट्रॉफी ये सब ठीक है, लेकिन आप जो घर में काम करते हैं, आप शाहरुख सलमान का फोटो लगाते हैं, अक्षय का फोटो लगाते हैं, मैं चाहता हूं दादा साहेब फाल्के का फोटो लगा जाए अपनी हर एक घर में जो इस इंडस्ट्री से कमाता है, खाता है, अपने पेट को चलाता है, उनकी फोटो होना चाहिए। और जैसे देवा साहब ने बोला, देवा साहब ने क्या बोला, जो पिक्चर हॉल में जैसे जनगण मन अधि होता है, उसके बाद दादा साहेब फाल्के का उनका फोटो आना चाहिए और ये आएगा, और देवा साहब जो बोलते हैं वो करता है, और उनके साथ मैं हूं। आज क्या हो रहा है इंडस्ट्री में, आज इंडस्ट्री में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम एक है, लेकिन आज राजनीति हो रहा है इंडस्ट्री में। मैं सबसे हाथ जोड़ता हूं इंडस्ट्री में राजनीति मत लेके आओ, आप देश में लेकर चलेगा, इंडस्ट्री में मत लेकर आइए। यहां पे हम साथ में नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी खोलते हैं, और लास्ट में गणपति बप्पा मोरिया बोलते हैं हम, इसमें ये नहीं दिखता जो मुसलमान कौन है हिंदू कौन है, लेकिन आज इंडस्ट्री को बांटा जा रहा है,
पता नहीं क्यों, उसके वजह से बहुत तकलीफ होगा आगे चल के, बहुत तकलीफ होगा बॉस। आज जिस तरीके से हम इंडस्ट्री के लोगों को उछल रहे हैं ना मीडिया में, वही लोग काम देता है, और जो नाम को उछल रहा है वो काम नहीं देता है, उसे रोटी सेक रहा है खाली। लेकिन जो काम देता है, जो एक शूटिंग में 200 आदमी काम करता है, उसको काम कौन देगा? आज जिस तरीके से मैं देवा साहब के पास मैंने एक बात रखा और राज्यपाल साहब के सामने बात रखा मैंने, नारी मेरी माँ है, मेरी बेटी है, मेरी सभ्यता है, मेरी संस्कृति है, मेरी लक्ष्मी है, मेरी आन बान शान है। आज जिस तरीके से वेब सीरीज़ में नारी का जो कपड़ा खोला जा रहा है, जिस तरीके से एक्टिंग हो रहा है, क्या वही एक्टिंग करने के लिए, क्या वही एक्टिंग दिखाने के लिए क्या दादा साहेब फाल्के फिल्म इंडस्ट्री बनाया था? क्या वही एक्टिंग है जो दिलीप साहब ने किया था, अमिताभ साहब ने किया था, तमाम बड़े स्टार किया था? नहीं ना। तो क्यों अपनी पैसा कमाने के लिए किसी बेटी को कपड़ा खोलकर आप उसको पैसा क्यों कमा रहे भाई? तो हमारा एक ही उद्देश्य है, जो वेब सीरीज में गलत करेगा, जो इंडस्ट्री में गलत करेगा, हम उसके ऑफिस जाएंगे और वहाँ से फेसबुक लाइव करेंगे, हम बोलेंगे तुम अभी कपड़ा खोलो, तुमने बनाया ना वेब सीरीज, नहीं मुझे शर्म आएगा। अच्छा, तुम्हें शर्म आएगा, लेकिन जिस तरीके से आप एक लड़की को इस तरह से आप काम करवाते हैं, क्या उसको शर्म नहीं आ रहा है? क्या वो क्यों मालूम क्यों काम कर रहे हैं? अपने घर के लिए, अपने पेट के लिए, क्योंकि अच्छा काम है नहीं ना अभी मार्केट में। गंदी काम करो, गंदी बातें करो, तो हमें इस इंडस्ट्री में सब साफ करना है। हमें ऐसा एक्टिंग नहीं चाहिए भाई, ना मुझे करना है ऐसा एक्टिंग, ना इस इंडस्ट्री में ऐसा एक्टिंग चाहिए। एक्टिंग तो राज कपूर साहब ने किया है, दिलीप साहब ने किया है, क्या उन लोग एक्टर नहीं है क्या? अभी जो एक्टिंग हो रहा है ये एक्टर लोग है क्या? बड़ा एक्टर है। तो मुझे ये सब पूरी बातों को मैंने राज्यपाल साहब के सामने रखा, और भी काफ़ी हमारे मंत्री हैं, नाम लेंगे बाद में, मैं सबके सामने हमने रखा, देवा अन्ना के साथ सामने हमने रखा, जो हमारी इस इंडस्ट्री को साफ रखना है। देवा अन्ना का एक यूनियन है, अगर किसी को भी उसी यूनियन में जोड़ना है, आना चाहते हैं, किसी को भी तकलीफ है, तो देवा अन्ना का एक अलग सा यूनियन है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, उसमें भी आप जोड़ सकते हो, आ सकते हो, ज्वाइन हो सकते हो। हमें इस इंडस्ट्री में हमें गलत नहीं करना है, ना गलत करवाना है, एक अच्छा इंडस्ट्री हमें चाहिए। नारी मेरी माँ है, छोटा है लेकिन वो माँ बनेगी, वो तो नारी को हमें ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि नारी मेरी माँ है। नारी को ख़त्म किया था, अपने माँ को ख़त्म कर दिया आपने, नारी मतलब माँ। तो मुझे सबसे पहले मैं नारी का सम्मान करता हूँ, मैं सलाम करता हूँ, मैं प्रेम करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ, क्योंकि नारी है बोल के आज हम हैं यहाँ पर, क्योंकि जन्म वही देता है। ये जो शो है ये शो आपको देखने मिलेगा केजे टॉकीज, जो 23 को आपको गूगल प्ले स्टोर में आपको मिलेगा। 23 से ये केजे टॉकीज जो मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये गूगल प्ले स्टोर में आपको मिलेगा, जिसका ब्रांड एम्बेसडर है साइन शेख। और ये एक ऐसा अद्भुत एक ऐप है, आप सभी की दुआ से, आपके पास कंटेंट है तो मेरे पास प्लेटफॉर्म है, चाहे कोई भी गांव से हो, कोई भी वो गांव खड़े से हो, कहीं से भी हो, आपने कुछ बनाया, आपके पास कुछ कंटेंट है, आपने जो भी कुछ बनाया, चाहे म्यूजिक वीडियो एल्बम हो, शॉर्ट फिल्म हो, वेब सीरीज हो, कुछ भी हो, तो मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है केजे टॉकीज। लोगों के पास बनाने के लिए सब कुछ है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है वहां पर रिलीज करने के लिए। तो आप सभी की दुआ से एक गरीबों का एक्टर एक छोटा सा एक प्लेटफॉर्म लेके आ रहा है केजे टॉकीज, तो प्लीज आप आशीर्वाद दीजिए आप लोग, और ये मेरा टॉकीज मेरा सुपरहिट हो। ये फ्री में है, बहुत सारे ऐप है, डाउनलोड करने के लिए पैसा लेते हैं, ये फ्री ऐप है, आप आओ पिक्चर देखो, और बहुत सारे इसके बाद मेरे केजे टिकटिक आ रहा है, उसके बाद तो कुछ 3 महीने के बाद केजे टिकटिक आएंगे, उसके बाद केजे किडीज आ रहा है, छोटे बच्चों के लिए गेम खेलेंगे बच्चे के लिए, वहाँ पर वीडियोज वो आएंगे, बच्चे कैसे आगे बढ़े, कैसे उसको एक आगे बढ़ने का एक विचार मिले, तो ये इसमें आएंगे। इसमें कोई गलत गंदगी नहीं है, ना टू पीस रहेगा, ना गंदगी रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, एक अच्छा कंटेंट रहेगा। अगर आपके पास अच्छा कंटेंट है तो मेरे पास आइए।
सुना पानी भी आ रहा है, परफ्यूम भी आ रहा है बीजेपी की तरफ। हाँ, थैंक यू सो मच वीरू जैन, जो मुझे उन्होंने एक रात को हम लोग बैठ के खाना खा रहे थे एक होटल पे, तो वीरू बोलता सर मैं केजे तो हमारा बैंड है ही, तो अपन केजे टॉकीज के नाम, केजे के नाम से कुछ और भी बैंड लेके आ सकता है। तो मैंने पिछले साल, साहिल भाई को पता है, सोहेल भाई को पता है, सोहेल भाई आपको पता है पिछले साल जब हम लोग ने शो किया था, आपको ही पता है सर, और उसमें ऐसा था जो हमने पानी का भी उल्लेख किया था, वहाँ पानी का था, ओटीटी प्लेटफॉर्म का भी था, आपको ही पता है सर। तो हमने, मुझे लग रहा है इस साल मेरे लिए बहुत अच्छा है और पता नहीं पॉजिटिव है, और इस साल में मैं केजे एक वाटर लेके आ रहा हूँ। ये पहला वाटर होगा, 20 रुपये का मिलेगा, ये पहला वाटर होगा जहाँ पे तुलसी का खुशबू स्वाद रहेगा, तुलसी का ये पहला वाटर होगा पूरी हिंदुस्तान में जो तुलसी का एक स्वाद रहेगा और आपका शरीर के लिए बहुत अच्छा होगा। और केजे परफ्यूम आ रहा है जो वीरू मेरा जो दोस्त है वीरू जैन, उनका एक ऑलरेडी परफ्यूम का उनका बिजनेस है, तो बोला कल्याण जी सर भाई केजे के नाम से अपन क्यों नहीं लेके आ सकते, ठीक है लेके आओ। तो इसलिए वो चीज़ हम लोग लेके आ रहे हैं, लेकिन अभी ये सिर्फ आप सभी की दुआ, मेरी जो पिता माता है जो मेरे गांव में है उनकी आशीर्वाद। यदि आपके शहर में आसपास कोई घटना गुजरता या किसी तरह की खबर है तो जी न्यूज हेटिंग पर वीडियो सही पूरी और हमारे जी न्यूज हेटिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।